दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन चैंपियनशिप क्रिकेट T10 टूर्नामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा नॉर्वे वर्सेस स्पेन के बीच में। अगर पिच के बारे में बात करें तो दोस्तों जो बल्लेबाज अपने पोटेंशियल के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रन भी बना रहे हैं और जो गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं उनको भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करें स्पेन के बारे में तो अच्छी टीम रही है दोस्तों, 6 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ एक मुकाबला हारा है, 4 मुकाबले दोस्तों विन किए हैं और एक मुकाबला बारिश की वजह से अबैडन हुआ था। टीम की ओर से आवेश अहमद और हमजा सलीम आपको ओपन करते नजर आएंगे। आवेश अहमद हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, 45, 27 और लास्ट मैच में 27, ये तीन इनकी दोस्तों टॉप इनिंग है। 2020 में 24 का एवरेज था ECS में और 2021 में 55 का बैटिंग एवरेज है। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं जो कभी भी बड़े रन लगा सकते हैं, तो आप चाहें तो अपनी रिस्की टीम इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। हमजा सलीम 2 पारियाँ 56 और 44 रन की काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है, बाकी की 3 पारियों में फ्लॉप रहे हैं। बैटिंग के अलावा दोस्तों गेंदबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं लेकिन अभी तक टीम ने इनका बॉलिंग वगैरह में बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। जैक पैरमैन है, पिछले 2 मैच से 1 डाउन आ रहे हैं, लास्ट मैच में 15, सेकंड लास्ट मैच में 7 बनाए, इससे पहले एक मैच में नंबर 6 पर खेले थे वहाँ पर इन्होंने 18 रन बनाए। अगर बॉलिंग की बात करें दोस्तों तो ये भी स्पिन गेंदबाज जरूर हैं लेकिन टीम ने अभी तक इनसे भी बॉलिंग नहीं करवाई। इनके बाद यहाँ से क्रिस्टाइन मुनोज मिल्स हैं, पहले मैच में अटैकिंग 42 रन बनाए थे लेकिन उसके बाद से दोस्तों 14-0-6 ये इनका रिसेंट है, तो थोड़ा सा दोस्तों अपनी पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक उछल्ले बल्लेबाज हैं जो कभी भी रन लगा सकता है, कभी भी आउट हो सकता है। यासिर अली दोस्तों एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर प्लेयर हैं लेकिन इस टूर्नामेंट में नाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, ना तो इनकी बैटिंग अभी तक चली है और ना ही बॉलिंग में इतना कुछ खास किया है, लेकिन दोस्तों वैसे इनका अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ज़बरदस्त करते हैं, तो किसी भी मैच में अगर चल पड़े दोस्तों तो अपने दम पर पूरे मैच को पढ़ सकते हैं। तो हमेशा अपनी एक रिस्की टीम में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के रखना, अपनी एक दो टीम में जरूर हमेशा ट्राई करना। कुलदीप लाल का भी दोस्तों यही हाल है, ये भी एक ऐसा बल्लेबाज है जो कभी भी गेम चेंजर प्लेयर आपके लिए बन सकता है, पावर हिटर बल्लेबाज है और बॉलिंग में भी 1 से 2 ओवर बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग में देखा जाए दोस्तों तो 5 विकेट अब तक निकाल चुके हैं लेकिन बैटिंग में नाम के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों अटैकिंग बल्लेबाज हैं, इनको भी अपनी एक टीम में हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन बना के रखना है। अगर कभी टॉप ऑर्डर में खेलने का मौका मिल गया तो 50-60-70 रन भी ये लगा सकते हैं। आतिफ महमूद हैं, बैटिंग कोई खास नहीं रही है, बॉलिंग में कभी 1 तो कभी 2 ओवर बॉलिंग की है और अब तक टोटल 6 मैचेस के अंदर सिर्फ 3 विकेट निकाले हैं, एवरेज प्रदर्शन रहा है। पॉल हैंसे हैं दोस्तों, प्रदर्शन इनका देखा जाए तो शुरू के 3 मैचेस के अंदर 3 विकेट निकाले थे लेकिन लास्ट मैच में 1 ही ओवर इनसे डलवाया जहां पर इन्होंने 11 रन खर्च किए और विकेट लेस रहे। इनके बाद जेड हैदर हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले 4 मैच में 5 विकेट निकाले हैं और लगभग हर मैच में 2 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। थॉमस वाइने हैं, पहले मैच में विकेट नहीं मिला था लेकिन लास्ट के 2 मैच में 3 विकेट ये निकाल चुके हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है पिछले 2 मैचेस से। आदिल राजा दोस्तों एक ज़बरदस्त विकेट टेकर गेंदबाज है, इससे टूर्नामेंट में अभी तक दोस्तों वैसे नाम के अकॉर्डिंग परफॉर्म तो नहीं रहा है लेकिन दोस्तों कभी भी गुच्छों में 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं, तो हमेशा एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। बेंच के प्लेयर में से अगर कोई खेलेगा तो उसकी अपडेट मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम में और टेलीग्राम ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम नॉर्वे के बारे में बात करें, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई की मेहनत और मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। नॉर्वे की टीम ने दोस्तों शुरू के जो 4 मैच खेले थे उसमें से 3 मुकाबले हारे थे और 1 मुकाबला अबैडन हुआ था लेकिन लास्ट के 2 मैच में अच्छा कमबैक किया है, बेल्जियम को 31 रन से हरा कराए हैं, LUX को 9 विकेट से हरा कराए हैं। टीम की ओर से राजा इकबाल और यहाँ से खिंजर अहमद आपको ओपन करते नजर आ जाएंगे। राजा इकबाल एक ज़बरदस्त पावर हिटर बल्लेबाज हैं, अब तक दोस्तों 52, 23, 12 और 31 ये इनकी लास्ट की 4 इनिंग बैटिंग में हैं। बैटिंग के अलावा बॉलिंग पार्ट टाइम करते हैं तो बॉलिंग से उम्मीद नहीं रहेगी लेकिन बैटिंग में कभी भी बड़े रन लगा सकते हैं। खिंजर अहमद है दोस्तों एवरेज परफॉर्मर बल्लेबाज हैं, शुरू के 2 मैचेस कुछ खास नहीं थे लेकिन लास्ट के 2 मैचेस में अच्छा कमबैक किया है, लास्ट मैच में 33 और सेकेंड लास्ट मैच में 34 रन बनाए, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो बिल्कुल कभी भी गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं। वालिद घोरी हैं, अब तक दोस्तों 4 मैच में से 2 पारियों में 39 और 57 बनाए हैं, 2 पारियों में दोस्तों बैटिंग नहीं चली और दोस्तों बैटिंग के अलावा बॉलिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, अब तक 2 ही मैच में बॉलिंग की है, टोटल 3 ओवर डाले हैं,
और 3 विकेट निकाल चुके हैं। तो वालिद घोरी दोस्तों बैट और बॉल दोनों में एक ठीक ठाक पिक है। हालांकि बॉलिंग इनकी डाउटफुल रहती है, कभी टीम बॉलिंग करवाती है कभी नहीं करवाती, लेकिन अगर करेंगे तो हो सकता है विकेट निकाल लें, तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप ग्रैंड लीग में इनको बना के चल सकते हैं। अली तस्वीर है 23-1-16 इनकी बैटिंग है, बॉलिंग कोई खास नहीं रही है। हयातुल्ला निजाई बैटिंग जितनी खास नहीं रहती लेकिन गेंदबाज अच्छे हैं, शुरू के 3 मैच में तो विकेट लेस थे लेकिन लास्ट के 2 मैच में दोस्तों 5 विकेट इन्होंने टीम को निकाल के दिए हैं। इनके बाद यहाँ से वाहिदुल्ला सहक हैं, बैटिंग में 13-13 इनका दो मैच में स्कोर रहा है, बॉलिंग में कभी 1 ओवर डालते हैं कभी 2 ओवर, अब तक टोटल 5 मैच में बॉलिंग की है और 3 विकेट निकाले हैं। मोहम्मद शेर सहक हैं, बैटिंग कुछ खास नहीं रहती है, बॉलिंग का जहाँ तक सवाल है दोस्तों अब तक 4 मैच में से 2 मैच में 3 विकेट निकाले हैं और 2 मैच के अंदर दोस्तों विकेट लेस रहे हैं। सोहेल इफ्तिकार हैं, 2 मैचेस में दोस्तों ओपन किया था 22 और 7 बनाए, उसके बाद से टीम ने इनको बिल्कुल लो ऑर्डर में डाल दिया है जहां इनकी बिल्कुल भी बैटिंग नहीं आ रही है। विनय रवि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 मैच ऐसा था जिसमें विकेट नहीं मिला, बाकी के 4 मैचेस में से 3 मैच में 2-2, 1 मैच में 1, टोटल यानी 7 विकेट अब तक ये निकाल चुके हैं। अहमदुल्ला सिनवारी का प्रदर्शन देखोगे, शुरू के 3 मैचेस थे दोस्तों उसमें 4 विकेट निकाले थे, लास्ट मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला। इनके बाद पी भरत है दोस्तों, बैटिंग काफ़ी लेट आती है, बिल्कुल उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन बॉलिंग में पिछले 2 मैच से बॉलिंग कर रहे हैं और दोस्तों 3 विकेट पिछले 2 मैच में ये निकाल चुके हैं। बाकी दोस्तों बैंस के प्लेयर में से अगर कोई खेलेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा की तरह पूरे रिकॉर्ड के साथ सबसे पहले मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम के 2 लिंक मैंने वीडियो के नीचे भी मेंशन किए हैं, अगर लिंक वर्क ना करे तो आप टेलीग्राम में जाके हमें सर्च कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में जाकर टाइप करना है WGF24 और सर्च करके जुड़ जाना है टेलीग्राम के अंदर। अब दोस्तों डेमो टीम देख लेते हैं, तो विकेट कीपिंग में मैंने आवेश अहमद को रखा है, बैटिंग में इकबाल केलाल डब्लू सहक हैं, इनके बाद ऑलराउंडर में गौरी जेड हैदर वी रवि, इनके बाद बॉलिंग में एच निजाई हैं, टी वाइन हैं, आर आदिल और ए सिनवारी को मैंने ट्राई किया है। कैप्टन वाइस कैप्टन में दोस्तों अगर बात की जाए तो कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सेफ यहां पे नहीं रहने वाला है, गोरी के साथ जा सकते हैं, आप राजा इकबाल के साथ जा सकते हैं, इनके अलावा दोस्तों यहां से आवेश अहमद हैं, ग्रैंड लीग में के लाल के साथ जा सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए दोस्तों तो राजा आदिल ग्रैंड लीग में अच्छे कैप्टन रहेंगे, इनके अलावा दोस्तों एच निजाई को भी आप रिस्की टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बाकी हमारी जो पूरी टीम है वो टॉस के ऊपर ही डिपेंड रहेगी और टॉस के बाद जो भी चांसेस होगा, जो भी कोई कैप्टन होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को बिल्कुल मिस मत करना, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम में जरूर से जुड़ जाएँ, टाइप करें WGF24 और सर्च करके जुड़ जाएँ टेलीग्राम के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।